आज के दिन होने वाली घटनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। कोलकाता में जन्मे आरती शाह ने आज ही के दिन इंग्लिश चैनल को पार करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी थी। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक ईरानी मूल की अमेरिकी नागरिक अनुषा अंसारी ने आज ही के दिन 10 दिन अंतरिक्ष में बिताकर पृथ्वी पर वह सकुशल वापस लौटी थी। उन्होंने इस यात्रा के लिए 20 मिलियन की अच्छी खासी रकम जो है खर्च की थी। आज ही के दिन महमूद अली हास्य अभिनेता निर्माता निर्देशक का जन्म 1932 में हुआ था। 5 से 6 दशक तक बॉलीवुड में राज करने वाले महमूद ने कई फिल्मों में अभिनय किया। उनकी महत्वपूर्ण फिल्मों में पड़ोसन, शबनम, कुंवारा बाप, गुमनाम, आंखें, नीलकमल, हमजूली हैं। परिवहन क्षेत्र में डीजल इंजन बनाकर क्रांति लाने वाले जर्मन रूडोल्फ डीजल का आज ही के दिन 1913 में रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव रखने वाले एवं भारत में नियुक्त होने वाले प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव का जन्म आज ही के दिन 1725 में इंग्लैंड में हुआ था। भारतीय सिनेमा के अभिनेता टॉम अल्टर का निधन आज ही के दिन 2017 में हुआ था। उनकी महत्वपूर्ण फिल्में आसकी, चरस, लैला मजनू, क्रांति, हम किसी से कम ने, दूध का कर्ज, वीर जरा आदि हैं। वैसे तो टेलीफोन का आविष्कार 2 जून 1875 को स्कॉटिश वैज्ञानिक ग्राहम बेल ने कर दिया था, किंतु आज ही के दिन 1915 में टेलीफोन से पहला अंतर महाद्वीपीय संदेश भेजा गया था। वेटिकन सिटी स्थित कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल प्रथम की रहस्यमय निधन आज ही के दिन 1978 में हुआ था। वे इस पद पर मात्र 33 दिन के लिए ही बने थे। आज ही के दिन दक्षिण कोरिया में 2002 में 14वें एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। कहते हैं रिश्ता ऊपर से बनकर आता है, किंतु विश्व में प्रथम मैरिज ब्यूरो की स्थापना 1650 में इंग्लैंड में हुई थी। आज ही के दिन उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर सीमा के इर्द गिर्द बने कई बंकरों को नष्ट कर दिया एवं वहां छिपे आतंकवादियों को मार गिराया। आज ही के दिन विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हृदय संबंधी बीमारियों एवं जागरूकता के लिए इसकी शुरुआत की थी। आशा है आपको सभी क्वेश्चन पसंद आएंगे। धन्यवाद।